नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो है तो इसको ज़रूर प्यार दीजिएगा। तो हम सभी को पता है कि अभी मोदी जी अपनी लक्षद्वीप की यात्रा से लौटे हैं। ये यात्रा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ जब सोशल मीडिया पर डाली तो तुरंत वायरल हो गई। एक घंटे में इस पर 50,000 से ज़्यादा लाइक्स हो गए और लक्षद्वीप लगातार 2 दिन तक गूगल पर ट्रेंडिंग टॉपिक बना रहा। पीएम मोदी लक्षद्वीप के ब्रांड एम्बेसडर बनकर उन्होंने लक्षद्वीप को काफ़ी प्रमोट किया और उन्होंने जनता के नाम एक संदेश भी जारी किया है। चलिए इसको सुनते हैं। लक्षद्वीप की सुंदरता को शब्दों में समेटना बहुत मुश्किल है। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से देश की जनता से आह्वान किया कि जो लोग घूमने के शौकीन हैं वे लोग एक बार लक्षद्वीप को जरूर ट्राई करें क्योंकि यहाँ बहुत सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं। मोदी जी ने लक्षद्वीप में 1200 करोड़ की लागत से कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए, जहाँ मोदी जी ने लक्षद्वीप को एक हॉलीडे डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट किया। वहीं कुछ लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा खटकी। मालदीव के कुछ रूलिंग पार्टी के कैंडिडेट्स ने मोदी जी को इसराइल का पपेट कहा और उन्हें एक जोकर की संज्ञा दी। तो वहीं काफ़ी सारे इंडियंस के खिलाफ रेसिस्ट कमेंट भी पास किए। इस बंदे का नाम है जाहिद रमीज, ये मालदीव्स की एक रूलिंग पार्टी का एक कैंडिडेट है। इसने ट्विटर के माध्यम से बताया कि चाल तो बहुत बढ़िया है लेकिन हमसे कम्पीट नहीं कर पाओगे, हम जो सर्विस देते हैं वो आप कैसे दे पाओगे और इतनी सारी साफ़ सफाई आप कैसे रख पाओगे। और इसने बहुत ही रेसिस्ट कमेंट भी पास की कि आप गंदी सी बदबू का क्या करोगे जो कि रूम्स में आएगी। पर मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि इसको किस बात की चुल मची है। मोदी जी ने तो मालदीव्स का नाम भी नहीं लिया, वो तो लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन बच्चा ना समझ है, इसको इतना ज्ञान नहीं कि इसने पिन निकाल कर खुद को ग्रेनेड पर बैठा दिया है। जिस मालदीव के टूरिज्म पर इसको इतना घमंड है, इसको ये नहीं पता कि मालदीव्स का टूरिज्म हम इंडियंस की वजह से ही चल रहा है। क्योंकि जो मालदीव में फॉरेन टूरिस्ट विजिट करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा नंबर में इंडिया से फॉरेन टूरिस्ट जाते हैं। ये तो वही बात हो गई, जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो। लेकिन दोस्तों आपको ही पता है कि आग लगी है तो धुआं तो उठेगा ही, लेकिन आपको ही पता है कि हम इंडियंस किसी को उधार छोड़ते नहीं हैं, सूद समेत वापस करते हैं। पिछले 10 से 12 घंटे में लगभग 8,000 होटल बुकिंग और 2,500 फ्लाइट टिकट को कैंसिल किया जा चुका है। और आज दोपहर में ये न्यूज़ भी आई है, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स में छपी है कि मालदीव ने उन 3 मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया जिन्होंने रेसिस्ट कमेंट पास की थी। लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि इतू सा देश पे हम इतनी सारी बहस क्यों कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है कि मालदीव की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये इंडिया के जस्ट साउथ में है और इसके जो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं बहुत ही ज़्यादा एंटी इंडिया हैं। इससे पहले जो भी प्रेसिडेंट मालदीव में इलेक्ट होते थे उनकी सबसे पहले विजिट इंडिया की होती थी और बहुत इंडिया भी उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता था हर चीज़ में। आप लोग देख सकते हैं इन फ़ोटोज़ में, इनसे पहले जो भी प्रेसिडेंट इलेक्ट होता था उसकी सबसे पहली विजिट इंडिया की होती थी, लेकिन महाशय ने सबसे पहले विजिट टर्की की। टर्की जो कि इनसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, इंडिया इनकी हर चीज़ में हेल्प कर सकता है क्योंकि भाई एक पड़ोसी है। और नेक्स्ट वीक ये चाइना के विजिट पर जा रहा है, इंडिया से इसने किनारा कर लिया है बिल्कुल। लेकिन इंडिया को सबकी औकात दिखानी आती है, इंडिया ने भी लक्षद्वीप को प्रमोट करना चालू कर दिया है। इंडिया भी अब उसमें 800 करोड़ की लागत से वाटर विलास का निर्माण कर रहा है जो कि मालदीव्स में है, और बहुत ही जल्द आप वो सारी सुविधाएं भी लक्षद्वीप में ले पाएंगे जो आप मालदीव्स में लेते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक? तो दोस्तों चलिए आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। और
तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने महत्वपूर्ण विचार कमेंट सेक्शन में जरूर रखें।